नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। उधारी का पैसा वसूलने के लिए तीन युवक पुष्पेंद्र पटेल नाम के युवक को पकड़कर चिरौला मंदिर से कहीं लेकर चले गए। युवक के अपहरण की जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी। युवक की तलाश करते बिछिया पुलिस अधिवक्ता शारदा सिंह के घर पहुंची तो पता चला कि युवक को पकड़कर लाने वालों में कमला प्रसाद शुक्ला के सीने में अचानक दर्द उठा और उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसे पुलिस और मौजूद साथियों ने उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने देखते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की जानकारी लगते ही परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और शव की मांग करने लगे। मामला बिगड़ता देखकर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और शव को मर्चुरी में रखवाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन हंगामा करते हुए युवक के शव की मांग करने लगे। उनका आरोप है कि पुलिस घायल को उपचार कराने के लिए बाहर नहीं जाने देना चाह रही, जबकि पुलिस युवक को मृत बता रही है। वहीं जिस युवक को मृतक और उसके साथी पकड़ कर ले गए थे, उसका पता नहीं चल पाया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, वहीं परिजन हंगामा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि युवक के परिजनों का क्या कहना है, युवक की मौत किन कारणों के चलते हुई है, यह जाँच का विषय है। विवाद नहीं चल रहा था, जो लड़का मेरा पैसा लिया था उस लड़के को मैं ले आया था अपने मामा जी के यहाँ, शारदा सिंह जी के यहाँ। वहाँ पुलिस वाले आए, बोले बात करनी है, और थाना ले जा रहे थे। और ये मामा जी का माने जब सीना में अचानक दर्द होने लगा, पानी वानी पिए तो उनको चक्कर आ गया। यहाँ ले आए तो पुलिस वाले लोग बोले कि सिर्फ बेहोश हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएंगे करते करते देख लीजिए। क्या विवाद था आप लोग? मेरा कुछ विवाद किसी से नहीं है। नहीं, वो जिस लड़के को वो पैसा लिया था बस, और कोई विवाद नहीं है। थाने वाने कहीं नहीं ले गए, हॉस्पिटल ले गए गाड़ी में। हमारा भाई यहाँ बेहोश है 3 घंटे, हमारा नाम भूपेंद्र शुक्ला है साहब, 3 घंटे से हमारा भाई बेहोश है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको मर्चुरी में रखवा रहे हैं, सांस चल रही है, उसके बाद भी साहब जिंदा पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज रहे हैं आगे। हम चाहते हैं कि हम नर्सिंग होम में ले जाएं इसको, 3 घंटे से रोक के रखे साहब हमको, गेट ये देखिए गेट में ताला बंद करके दो दो थानेदार खड़े हैं साहब। साहब ये दर्द उठा सीने में इनके, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे साझे वो दर्द उठा नहीं होंगे, और वहाँ अंदर ले गए तो ये हालत हो गई साहब इनकी। उसके पहले थोड़ा अब बताइए, हमको भाई को ले नहीं जाने दे रहे कि हम ले जाएं कहीं अपना नर्सिंग होम में दिखाएं कुछ करें, 3 घंटा यहाँ हो गए साहब। ये ग्राम सिपुरबा के साहब हम लोग हैं यहीं के। क्या नाम है इनका? विश्वजीत कमला पर शुक्ला। क्या नाम, क्या काम करते हैं? ये होटल मैनेजर है साहब भोपाल में, अभी लॉकडाउन में यहाँ एक कार और सब खरीदे हैं साहब। ये कौन सी पुलिस इनको लेने गई थी? ये बिछिया पुलिस वाले ले गए साहब, और ये गुप्ता जी हैं, एक तीन फूल TI है, चाहे DSP हो जो हो साहब, तीन फूल हैं गुप्ता जी, वो रोक के रखे हैं हम लोगों को। अब इनके कारण, गुप्ता जी के कारण और संजय गांधी प्रबंधन के कारण हमारे भाई की ये हालत हुई है। इसके हमारे भाई के मित्र के जिम्मेदार संजय गांधी प्रबंधक हॉस्पिटल और ये पुलिस विभाग है। I'm not going to be able to do that.
दादा देखता है, देख ली हमारे भाई की तकलीफ।